हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ध्रुवी पटेल, टीचर ऑफ श्री विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे माय स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी, यूनिट नंबर 13। कौन सा है तो पशु। तो यूनिट नंबर 13 में हमें पशु के बारे में दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, पशु के चित्र और नाम भी दिए गए हैं। तो हमें पहले रीड करना है और फिर उसमें कलर करना है। ओके, पहले वाला चित्र किसका है तो पढ़े घ को आ की मात्रा गाय। तो पहला वाला चित्र कौन किसका है तो गाय का। देखो ये चित्र गाय का है ना, तो हमें गाय में कलर करना है। फिर है ये किसका चित्र है तो पढ़े शब्द ब क र को बड़े की मात्रा री बकरी। तो ये किसका चित्र है, बकरी का। तो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर करना है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ब्राउन करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे वाइट करना हो तो वाइट, और ऑरेंज करना हो तो ऑरेंज और रेड दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा करेंगे हम लोग, वाइट कलर, और यहाँ पे ब्राउन कलर करेंगे या फिर ब्लैक। फिर ये किसका चित्र है तो पढ़े शब्द घ को ओ की मात्रा घो, ड को आ की मात्रा डा घोड़ा। तो ये घोड़े का चित्र है, तो यहाँ पे हमें कलर करना है। फिर ये किसका चित्र है तो बड़ा ऊ और ट, तो ऊँट, तो ऊँट का चित्र है, तो यहाँ पे हमें ऊँट कैसे रंग का दिखता है वैसा कलर करना है। फिर है ये किसका चित्र है तो एलिफेंट का, तो यहाँ पे लिखा है ह को आ की मात्रा हाथ, ह को बड़े ई की मात्रा थी हाथी। तो यहाँ पे हमें कलर करना है। ये वाला पढ़े तो भ को आ की मात्रा भा, ल को बड़े उ की मात्रा लू भालू। तो ये भालू का चित्र है, तो यहाँ पे भी हमें कलर करना है। फिर ये किसका चित्र है तो स को छोटी की मात्रा सी ह सिंह, तो यहाँ पे सिंह में हमें कलर करना है। फिर ये किसका है तो ब को आ की मात्रा बाघ, तो ये किसका चित्र है बाघ का, तो हमें बाघ में भी कलर करना है। सो स्टूडेंट्स, हम एक बार रीड कर ले, ये किसका चित्र है तो गाय का, ये बकरी का, ये घोड़े का, फिर ऊंट का, फिर एलिफेंट यानी हाथी का, फिर भालू का, सिंह का और बाघ का। तो आपको ये सारे वर्ड्स नोटबुक में बाघ पशु के बारे में जो शब्द दिए गए हैं ना, हाथी भालू सिंह बाघ, वैसे वो सारे लिखने हैं और बुक में कलर करना है। ओके, थैंक यू।